और क्या बोलते हैं, क्या करती है ये? सब वीडियो को लाइक करके उन दुष्ट लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग कुत्ते के काम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक्वेरियम का काम और एक्वेरियम की चीज़ें, एक्वेरियम ही हम लोग क्यों बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं, कैट्स देख सकते हैं, किसी प्रकार के वाइल्ड एनिमल या इंडियन एनिमल, रिवर्स एनिमल, सी एनिमल्स को देख सकते हैं। तो सारे के सारे एनिमल लगभग आपस में तो सेम है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा एनिमल है जो इन सभी लोगों से डिफरेंट होता है, जिसको कि सभी एनिमल सिर्फ जीते हैं कि इनको सिर्फ सवेरे और शाम दो टाइम का खाना मिल जाए। कुत्ता चाहता है कि उसे दो रोटी मिल जाए, और लेकिन इंसान है कि जिसकी भूख सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के लालच होते हैं। जैसे कहीं से पत्थर निकाल लेना, फिर उस पत्थर को एक ही जगह में खूब ऊपर तक खड़ा कर देना, उसकी वजह से भले क्लाइमेट ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ दुनिया ख़त्म हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम लोगों को सिर्फ मतलब है कि अपने अपने एक, हर किसी के अपना महल होना चाहिए। लेकिन ये सर मतलब कुछ जानवर तो ऐसे जिनकी जुबान है, सी एनिमल जितने भी होते हैं उनकी जुबान भी नहीं होती, जुबान होती सिर्फ उसको खाने के लिए, पंख होते हैं पानी में तैरने के लिए। टर्टल्स वगैरह होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन में भी रह लेते हैं, वो बेचारे सिर्फ पाँव से तैर पाते भी हैं, चल भी पाते हैं। कुछ इगुआनास अपनी परेशानियों को लेके ऐसे भी आज की डेट में हो चुके हैं, एक टापू है कहीं का, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, कि वो 40 मिनट तक का बिना सांस लिए पानी के अंदर जाते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो कोरल्स खा के ज़िंदा हैं आज की डेट पे। ऐसे एक अजीब चीज़ होगी, मतलब लोग, कई सारे जानवर अपने आप को अपनी मजबूरियों की वजह से भी अपने हालात पर कन्वर्ट कर ले रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट में वीडियो आया था आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी बातें थोड़ा सा अजीब लग रही होंगी, काफ़ी लंबी लग रही होंगी, कि मैं उसमें बताया था कि मछलियों को मरना बहुत सारे लोग शुभ मानते हैं, और रात को कुत्ता रोता है या दिन में कुत्ता रोता है तो उसे अशुभ मानते हैं। ऐसा इसके लिए मैं बोला था, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे साइड में, कि मैं सवेरे सवेरे सो के उठा, ये मेरे पास तो रोज़ होता है। जैसे मैं एक बिजनेस भी करता हूँ, आप लोगों को सिखाता भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, एक हॉबीस्ट भी हूँ। मैं सवेरे सवेरे सो के उठता हूँ, मेरे पास जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह में काफ़ी सारे मैसेजेस हमेशा ही पड़े रहते हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ उन मैसेजेस को ओपन करने की, जो मैसेज बिजनेस ओनली फॉर मेनली बिजनेस पर्पज़ से होते हैं उनको मैं ओपन करता हूँ, बिकॉज मैंने फिश केयर और सारी चीज़ों के तो वीडियोस ऑलरेडी अपने फ्रीडम वीडियोस चैनल पर बनाया हुआ है, जो लोग आप लोग सर्च करते हैं तो उसके कंटेंट बाय कंटेंट आ जाते हैं। मैंने देखा एक दीदी भी मुझे मैसेज की हुई थी, और उनका कहना यह था कि उन्होंने गोल्ड फिश खरीदी हुई थी, और गोल्ड फिश खरीदते साथ ही दूसरे दिन उनकी गोल्ड फिश मर गई, और मरने के साथ ही बहुत सारे उसने बच्चे दिए हुए, बच्चे तैर रहे हैं, अब मैं इन बच्चों को कैसे केयर करूँ, इनको मैं क्या खिलाऊँ, और ये मेरी मछलियाँ क्यों मर जा रही हैं। उन्होंने अपने एक्वेरियम की फ़ोटो दिखाई, उन्होंने बोला मैंने अपने एक्वेरियम में सभी तरह का फ़िल्टर लगा लिया, एक्वेरियम की साइज़ लगभग इतनी बड़ी रही होगी 18x12 की, और मैंने उनका जब वीडियो देखा तो आप लोग समझ सकते हो गोल्ड फिश कैसे बच्चे देती है, बच्चे देती है, अंडे देती है, सभी लोग जानते हैं। मैंने देखा तो गोल्ड फिश मरी हुई थी, लेकिन मैंने आर्गुलस के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में बताया था कि जो गोल्ड फिश पर लग जाते हैं, जिसको नमक और एंटीज डाल के मारा जाता है, या एक्वेरियम के पानी में वो कीड़े ना पड़े या कुछ हो ना, तो इस वजह से इसमें नमक एंटीज ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो मैंने देखा कि उनके गोल्ड फिश के साथ में बहुत सारे आर्गुलस तैर रहे थे, जो गोल्ड फिश के मरने के बाद जब उन्होंने एक अलग से सेपरेट किया था, क्वारंटाइन किया था, तो सारे कीड़े उसको छोड़ दिए थे गोल्ड फिश को, और पानी में चारों तरफ तैर रहे थे। वो दीदी बोल रही थी गोल्ड फिश इसके बच्चे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा पर चिंता में हूँ कि ये फिश मर गई बट इसके बेबीज़ हैं, इनका मैं केयर कैसे करूँ। दूसरे दिन ही मर गए, मैं समझ नहीं पाया मैं उनको क्या बताऊं कि उनके पास कैसी फीस आई है, उनकी फीस में क्या प्रॉब्लम है, क्या कहानी है। मैंने उनको नॉर्मली ये भी नहीं बताया कि गोल्ड फिश के बेबी नहीं हैं, ये कीड़े लगे हुए थे मछली में, जो कीड़ों की वजह से आपकी मछलियों की डेथ हो रही है। आप लोग सोच समझ सकते हो कि मतलब हम लोग सालों से लगे हुए इस जंग लड़ रहे हैं कि नहीं हम लोग लोगों को एक्वेरियम रखना, मछलियाँ पालना सिखाएंगे, लेकिन उसी के बाद ऐसी कंडीशन होती है जो शॉपकीपर्स भी नहीं जानते हैं, ऐसी मछलियों को बेचना, ऐसी मछलियों को केयर करना, ऐसी मछलियों को पालना। तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वो लोग अपने कस्टमर को सजेस्ट कर देते हैं, बोल देते हैं अगर आपके घर में मछलियाँ मर जाती है, आप विषम संख्या में मछलियाँ रखिए, एक दो मछलियाँ मर जाएंगी तो आप समझ लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, हमारे मोहल्ले में कुत्ता था, हमारे घर में भी कुत्ता था, जिसको सब मोहल्ले वालों के ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से उसे हम लोगों को बेच देना पड़ा था। एक लैब्राडोर का मैंने वीडियो बनाया हुआ था अपने दूसरे वाले चैनल में, इंस्टाग्राम में मैंने कई सारी फोटोज़ अपलोड कर दी थी, एकदम प्योर लैब्राडोर था,
उसकी वजह से सारे मोहल्ले वालों को परेशानी होती थी, क्योंकि वो हम लोग के घर में रहा करता था। तो अगर किसी भी मोहल्ले में कुत्ते से रिलेटेड कोई भी काम हो जाता था, जैसे रात को कोई कुत्ता रो ही रहा है, या किसी के घर के सामने कोई ये देसी कुत्ते या नॉर्मली अपने इंडियन ब्रीड्स के कुत्ते पुट्टी वगैरह कर देते, तो दोनों का कहना होता था कि आप ही का कुत्ता आता और हमारे घर के सामने पुट्टी करके चला जाता था। मेरे मम्मी पापा से बहुत लड़ाई किया करते थे, जिसकी ऐसे लास्ट टाइम भी हुआ कि हम लोग को उस कुत्ते को अपने घर से हटाना पड़ा। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत दुखद घटना थी। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद एक हमारे उसी के साथ में जब वो कुत्ता रहता था, एक देसी कुत्ता कहीं से भटकते हुए आ गया था। जो मेरे दो भतीजे हैं, आप लोग कई बार वीडियोस और फोटोज देखते होंगे, दो रहते हैं वो मेरे बड़े भैया के बेटे होते हैं, वो भी मेरे साथ रहते हैं, तो भी एनिमल्स फेसेस इनको सबसे बहुत प्यार करते लगे आजकल। तो वो लोग भी देखे कुत्ते का बच्चा है, बेबीज है, बीच थी एक देसी की, तो उनका वो लोग क्या किए, उसे भी रोटी दे देते थे अपने कुत्ते के साथ में, लैब्राडोर के साथ में। इतना एक दो दिन लोगों ने देखा, इसकी वजह से देसी कुत्ते होते हैं जहाँ दो रोटी पाते हैं तो वहीं पे वो रुकने लगते हैं। तो फाइनली हम लोगों को उस देसी कुत्ते को भी घर से दूर करना पड़ा, क्योंकि वो हम लोगों के घर में रहता था और हम लोग उसको सिर्फ खाना ही बस दे दिया करते थे, जिसकी वजह से उस कुत्ते को सब लोग टांग में मारते थे, पाँव तोड़ने की कोशिश करते थे। आप लोग देख रहे होंगे साइड में, थोड़ा सा मैं उसकी क्लिपिंग और वीडियो दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। और मतलब जो ही पता था, मतलब ये जानते थे कि मतलब हम लोग हैं कुत्तों या बेजुबान जानवरों को किसी की भी मदद कर देते हैं, खिला देते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो इंसान हो सकता है नेचुरल से, या नेचुरल नेचर यही तो है। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान ही बस नेचर में नहीं रहता, इंसान के अलावा भी सारे जानवर नेचर में हैं, चाहे कि फिशेस हो, डॉग हो, कोई भी जानवर, चाहे वो सूअर ही क्यों ना हो। मैं तो सूअर से लेकर और इंसानों में कोई फ़र्क ही नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब लोग एक जिस तरीके से इंसान हरकत कर रहा है या हम लोग हरकत करते हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियोस और चीज़ें देखते होंगे, बहुत सारे लोग गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो रोड में छोड़ देते हैं, उसके अलावा जब तक दूध देती है तो उसकी पूजा करते हैं, साफ बात है आप लोग सब जानते हैं। कुत्ते की बहुत सारे लोग ब्रीडिंग पर्पज़ से हाईब्रिड की बीच और डॉग रखेंगे, जब वो बीच बच्चे देना बंद कर देती है, मरने वाली होती है, तो भी लोग उसको रोड में छोड़ देते हैं, फैक्ट है। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें नहीं लगता, ये सब कंडीशंस देखने के बाद इनसे ज़्यादा भी मतलबी लोग होते होंगे या मतलबी कोई जीव है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छा है, सब लोग जानेंगे, सब लोग जानते ही होंगे अच्छे तरीके से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फाइनली ये हुआ कि उस कुत्ते को भी अब हम लोगों को खाना देना बंद करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को इस मोहल्ले में रहना है और पूरे कॉलोनी के लोग एक हो गए। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा क्या समस्या हो रही है? इसको डंडे मारे जाने मजा आ रहा, दुख लगा। हाँ। क्या क्या दिक्कत होती है इसके साथ? मेरा मारते है इसको रोज डंडा। और क्या बोलता है, क्यों मारते हैं? बोलते हैं बताओ तो, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, बताओ तो, कोई दिक्कत नहीं, सही सी बताइए। घर के अंदर घुस जाती तो बाहर वाले इसको बहुत मारते, बगल का मेरा। और क्या बोलते हैं, क्या करती है? लेटिंग सब कुछ दुगरा में कर देती है। लेटिंग कर देती हाँ, है हाँ। मारते हैं सब लोग दौड़ा दौड़ा के। हाँ। और खाना कोई देता है इसको? हम लोग देते पर अब नहीं। तुम लोगों को भी मारते हो, डांटने लगे वो लोग है ना? हाँ। कि खाना मत दिया करो। हाँ। अब क्या करोगे तुम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? रोटी दूध दे दो। तो कैसे देंगे, तो कोई देखेगा तो फिर तुम लोगों को भी डांटता है, डांट में चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा तो, लेकिन परेशानी तो होती है, दोनों के मम्मी पापा पैसे से तो भी लड़ते हैं वो लोग लोकल एरिया से, तो वाले लोग के रह सकते क्या, देख सकते हैं इस कंडीशन को, मतलब उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है किसके, हम चलिए हम एक आदमी से तो लड़ सकते हैं, एक सामने वाले से, एक बगल वाले से, अब सोचिए वो दो आमने सामने वाले मिल के पूरे मोहल्ले को ही एक कर लें, फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से हम लोगों की जान को भी खतरा है ना, कि हम लोग कुछ ऐसे भला काम कर रहे हैं किसी का, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी की कभी मदद कर दे रहे हैं, तो इससे तो बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकता है। इस वजह से मुझे वो काम भी बंद करना पड़ा, और सिर्फ इसी वजह से लोग कुत्तों से नफरत करते हैं, और कुत्ता जब रोता है तो बोल देते हैं अशुभ है, इसके लिए अपने मोहल्ले में कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्तों को भगा देना चाहिए। और कुत्ते को जब भगा देंगे, बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं कि अगर आप कुत्ता पाल लेंगे तो आपको लगता है घर की रखवाली करेगा वो कुत्ता, तो बहुत सारे लोग फ्रॉड और चोर टाइप के लोग होते हैं, तो इसकी वजह से नफरत करते हैं लोग कुत्तों से। तो इसके लिए उन्होंने क्या बता दिया, कुत्ता जब रोता है तो अशुभ होता है, जिससे अपना कुत्ता पालिए ना, कुत्तों को घर में रखिए, जिससे आपके घर की रखवाली होगी ना, जब अपना घर छोड़ के कहीं पर जाओ या कहीं पर चले जाओ तो आके आपके घर पर चोरी कर लें, कुत्ता पालिए ना, कुत्तों को घर में रखिए, जिससे आपके घर की रखवाली होगी ना, जब अपना घर छोड़ के कहीं पर जाओ या कहीं पर चले जाओ तो आके आपके घर पर चोरी कर लें।
मेरे हिसाब से बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि जो लोग इन जानवरों से नफरत करते हैं उनका कोई और भी, उनका तो कोई बेनिफिट है नहीं ना, उनके घर से हम लोग रोटी मांगते हैं ना, उनके घर में अगर कल को कुत्ता घुसे तो वो लोग भगा ही सकते हैं भाई, कोई तो जानवर किसी के घर में घुस रहा है। तो तीसरा रीज़न ये शायद उन लोगों को लगता है कि उनके बिजनेस में आड़े आएंगे कुत्ते, उनकी वजह से हो सकता है तो लोग वो चोरी नहीं कर सकते, डाका नहीं डाल सकते हैं कहीं पे, और लोगों ने अफवाहें क्या फैला दी। अब रही बात तीसरी बात, मैंने एक मछली मरने का रीज़न बताया था कि मैंने उन दीदी का वीडियो देखा कि उनकी मछली मरी हुई, जो बहुत सारे लोग अफवाह फैला दिए, बहुत सारे लोगों से मिलकर अफवाह फैला दिए कि मछली ऐसे मर गई, लेकिन एक मछली की गोल्ड फिश के मरने की कहानी नहीं है। गोल्ड फिश एक्वेरियम में पाले जाने वाली सबसे ज़्यादा मछलियों में से एक होती है, और गोल्ड फिश एक्वेरियम नॉर्मल एक्वेरियम में सबसे ज़्यादा जीने वाली मछली में से भी एक होती है, लेकिन उसको पालने का थोड़ा सा इतना तरीका होना चाहिए, आपको उसके अंडे और उसके आर्गुलस में फ़र्क पता चलना चाहिए कि क्या गोल्डफिश में लगे हुए कीड़े हैं, क्या गोल्डफिश के अंडे हैं, इतना। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि आप लोग नया एक्वेरियम ले रहे हैं, आपके पास एक्वेरियम है या आपके पास मछलियाँ हैं, मछलियाँ लेने के पहले, एक्वेरियम लेने के पहले इनके बारे में पूरी एजुकेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट इसके बारे में रिसर्च कर लिए। एक मोबाइल भी अपन लोग खरीदते हैं तो उसके बारे में 10-15 दिन रिसर्च करते हैं, रिव्यू लेते हैं, एक्वेरियम जो रखे हैं आप उनसे पूछ लीजिए, कुछ गूगल वगैरह में सर्च कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए फिशेस के बारे में, कैसी फिशेस आपके पास पसंद है, कैसी फिशेस आप रखना चाहते हो, कैसे एक्वेरियम रखना चाहिए। वैसे भी हम लोग उसके पीछे कितने सालों से जंग लड़ रहे हैं, सोचिए 500 वीडियोज़ मैंने सिर्फ एक्वेरियम से रिलेटेड बनाए हुए हैं, सिर्फ पेट से रिलेटेड बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने शेर के साथ रह के शेर के साथ भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी बैंकॉक में जाके विदेशों में लोग कैसे मछलियाँ पालते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए, दूसरे देश के साथ मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, पेट्स को लेके, एनिमल्स को लेके, जानवरों को लेके, कि मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया का यूट्यूबर इस लेवल पे गया है कि मतलब कि जहाँ पे मतलब स्टिंगरे जैसी फिशेस की ब्रीडिंग होती हैं, इरवाना जैसी फिशेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से इंडिया में, उस मार्केट का जाके मैंने वीडियो बनाया था, इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़े पेट मार्केट है, सिर्फ आप लोगों को हम उनको दिखाने के लिए कि हम लोग बस ही मछली नहीं पालते, हम ही बस मछली नहीं बेचते, इंटरनेशनल काम है, इंटरनेशनल के लेवल पे लोग ये सब कर रहे हैं, पाल रहे हैं, देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं इसका पार्ट टू वीडियो ज़रूर बना के लाऊँगा, कुछ अधूरी जानकारी आप लोगों के पास में है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताइए मैं क्या कहना चाह रहा था वो कह पाया या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करके उन दुष्ट लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग कुत्ते की टांग तोड़ते हैं, और जो लोग गाय वगैरह होती हैं उनका दूध देना बंद कर देते हैं तो उनको स्टोर में छोड़ देते हैं, और कुत्तों की ब्रीडिंग करवा के फिर उनको भी बाहर कर देते हैं। तो आप लोग इतना एहसान कीजिएगा कि मेरा वीडियो उनके पास ज़रूर पहुँचाइएगा, जिनकी वजह से हम लोग कितने दुखी हैं हफ्तों से मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।